हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ मैथ का 2023-24 का वो पोर्शन देखेंगे सिलेबस का जो रिड्यूस हो चुका है, जो डिलीट हो चुका है। उस टॉपिक की बात करेंगे जो 2023-24 के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये मेरे पास क्लास नाइन्थ की गणित की बुक है। आप भी एक अपनी किताब नाइन्थ वाली ले लें और साथ में एक पेन और पेंसिल ले लें, जिससे आप वो मार्क कर सकें जो इस वक्त 2023-24 के सिलेबस से जो टॉपिक हटा दिया गया है या जो प्रश्नावली हटा दी गई है, उसको हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा पोर्शन हटा हुआ है। आइए बात करते हैं। में आपको संख्या पद्धति पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय पढ़ना है, रेखाएं कोण पढ़ना है, त्रिभुज भी पढ़ना है, चतुर्भुज भी पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। ये चैप्टर जो है ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वृत्त में कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। रचना वाला चैप्टर जो चैप्टर 11 था, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। हीरोन फार्मूला या हीरोन का सूत्र आपको पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत से पोर्शन को हटाया गया है। सांख्यिकी में भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, और साथ ही साथ ये प्रायिकता वाला चैप्टर जो है ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आइए देख लेते हैं पेज वाइज, चैप्टर वाइज, प्रश्नावली वाइज क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, कि ये प्रश्नावली 1.1 जो है इसे नहीं हटाया गया है पेज नंबर 6 पे। अगर हम बात करें प्रश्नावली, सीधे सीधे आ जाते हैं, प्रश्नावली 1.2 भी नहीं हटाया गया, 1.3 भी नहीं हटाया गया। इस पहले अभ्यास में या पहले अध्याय में जिसका नाम है संख्या पद्धति, ये सिर्फ प्रश्नावली 1.4 को हटाया गया है जो कि पेज नंबर 21 पर है। यानी अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के ये पेज नंबर 17 से यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं पेज नंबर 21 तक, प्रश्नावली 1.4 के साथ साथ। आइए बात करते हैं आगे, हमको प्रश्नावली 1.5 पढ़नी होगी, ये है आपके सिलेबस में, और प्रश्नावली 1.6 भी आपके सिलेबस में है। अब बात करते हैं अध्याय दो की, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में अगर देखा जाए तो सिर्फ शेषफल प्रमेय को हटाया गया है, जो कि आप प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.2 की भी स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये शेषफल प्रमेय है, यहाँ से ये टॉपिक हटाया गया है पेज नंबर 41 से लेकर के ये जाएगा पेज नंबर 47 तक। देखिए, ये सारे पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, साथ ही साथ ये प्रश्नावली 2.3 भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं इसके आगे, ये प्रश्नावली 2.3 की स्टडी आपको नहीं करनी है, ये 2023-24 के सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अब बात करना है प्रश्नावली 2.4, ये पूरा आपको पढ़ना है। इसी तरीके से प्रश्नावली 2.5 भी आपको पूरी पढ़नी है, और ये तो सारांश है, ये पाठ का सारांश अंत में रहता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अध्याय तीन की। अध्याय तीन में ये प्रश्नावली 3.1 आपको पढ़ना है, और सिलेबस में शामिल है 2023-24 के। प्रश्नावली 3.2 भी आपके सिलेबस में शामिल है। इसके बाद अगर हम बात करें अगली प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली 3.3 जो पेज नंबर 76 पर है, ये कटी हुई है, इसे आपको नहीं पढ़ना है, इसे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट अध्याय चार की बात करें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, तो इसमें देखते हैं, इसमें आपको प्रश्नावली 4.1 की स्टडी करनी है, ये पूरा प्रश्नावली पढ़ना है आपको। इसी तरह से प्रश्नावली 4.2 भी पढ़नी है। आगे बात करें अगर हम, तो प्रश्नावली भी आएगी, ये 4.3 भी गायब है, हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसी प्रकार ये प्रश्नावली 4.4 को हटा दिया गया है। मींस कि आपको ये पेज नंबर 83 से यानी 83 से लेकर के 93 तक आपको नहीं पढ़ना है। ये पाठ का सारांश है, सो सारांश आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अध्याय पाँच की, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें अगर हम बात करें तो यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में अगर आप देखेंगे, तो ये आपका जो प्रश्नावली 5.1 है, ये आपके सिलेबस में है, पढ़ना है, पूरा पूरी प्रश्नावली पढ़नी है। 5.2 जो प्रश्नावली है ये कटी हुई है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ये पेज नंबर 104 से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये पेज नंबर 106 तक आपको नहीं पढ़ना है, ये है, बल्कि 107 भी कह लीजिए, क्योंकि सारांश है, तो सारांश में आपको नहीं पढ़ना, हटा दीजिए। अध्याय 6 की बात करते हैं, रेखा और कोण की, तो इस अध्याय से देखते हैं कौन कौन से पोर्शन डिलीट है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 6.1 प्रश्नावली पूरा पढ़ना है आपको। इसके बाद बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 की,
तो प्रश्नावली 6.2 भी पूरी पढ़नी है। इसमें ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इसे आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, बट अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन पढ़ने में क्या जाता है, इसे भी पढ़ लिया जाएगा। ये पूरा सिलेबस है आपका, इसके अकॉर्डिंग अब इसमें अगर बात करें तो यहाँ से आपका ये पोर्शन डिलीट है, पेज नंबर 125 से या 26 से लेकर के 126 से लेकर के 131 तक ये डिलीट है। ये प्रश्नावली आपको 6.3 नहीं पढ़नी है, प्रश्नावली 6.3 नहीं पढ़नी है। इसके आगे अगर हम बात करें अध्याय 7 की त्रिभुज की, तो त्रिभुज में अगर हम देखें तो त्रिभुज में सिर्फ प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 7.1 आपको पूरा पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पढ़ने हैं। प्रश्नावली आगे बात करें 7.2 की, तो 7.2 भी आपको पूरा पढ़ना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रश्नावली 7.3 की, तो प्रश्नावली 7.3 भी आपको पढ़ना है। अब जो अगली प्रश्नावली आ रही है 7.4, इसे आपको स्टडी नहीं करनी है, पेज नंबर 158 पर ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्नावली 7.5 ये ऐच्छिक हुआ करती थी, पहले भी हम नहीं पढ़ते थे और इसे अब भी नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है, ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें चतुर्भुज अध्याय 8 की, तो इस अध्याय 8 में अगर देखा जाए तो प्रश्नावली 8.1 आपके सिलेबस में है, ये पूरी प्रश्नावली पढ़नी है। इसमें भी पहला क्वेश्चन सिर्फ कटा हुआ है, तो इस एक क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेंगे, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्नावली 8.2 की, तो ये प्रश्नावली पूरी पढ़नी है आपको, और यानी कि इस अगर हम कह लें एक तरीके से तो प्रश्नावली ये अध्याय 8 में सिर्फ एक क्वेश्चन कटा हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन 8.1 का, तो अब ये समझ लीजिए इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो गया है, यानी अब 8 के बाद सीधा 9वां चैप्टर जो होगा वो आपका वृत्त होगा। नेक्स्ट ये पूरा पोर्शन आपका डिलीट है, पेज नंबर 183 से लेकर के पेज नंबर 201 तक ये पूरा पोर्शन आपका डिलीट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने जैसा कि कहा कि ये 9 वाला अध्याय जो है वो हटा दिया गया है, तो अब जो नई बुक आप देखेंगे तो ये आपका अध्याय 10 है पुरानी बुक में, तो ये नई बुक में अध्याय 9 हो जाएगा वृत्त। अब वृत्त में देखा जाए ये पहली प्रश्नावली आती है 10.1 जो पेज नंबर 205 पर है, इसे डिलीट कर दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रश्नावली 10.2 की, तो ये आपके पूरा सिलेबस में शामिल है, इसे डिलीट नहीं किया गया है। प्रश्नावली 10.3 को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है 2023-24 के सिलेबस में, ये अब नहीं पढ़ना आपको। इसी तरह से बात करें प्रश्नावली 10.4, तो ये पूरा आपको पढ़ना है, और अगली प्रश्नावली जो 10.5 है ये भी पूरी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट प्रश्नावली ये ऐच्छिक है, ये पहले भी नहीं पढ़नी होती थी, अब भी नहीं पढ़ना है, 10.6 आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब हम बात करें अध्याय 11 की, तो ये आपकी नई बुक से हटा दिया गया है, जिसका नाम है रचनाएं, ये पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है, जो कि पेज नंबर 225 से शुरू होता है, पेज नंबर 225 से लेकर के ये पूरा 235 तक का ये चैप्टर जो है ये पूरा हटाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें अध्याय 12 की, तो ये नए वाले बुक में अध्याय 10 हो गया है, जिसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में दो प्रश्नावली थी पहले, अब एक प्रश्नावली सिर्फ करनी है, 12.1 आपके सिलेबस में है और 12.2 आपके सिलेबस से बाहर कर दी गई है, 2023-24 से ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, यानी ये सब आपको क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अध्याय 13 की, तो ये पहले की बुक में अध्याय 13 हुआ करता था, अब नई वाली बुक में ये अध्याय 11 हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से ज़्यादा ही पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, देखते हैं ये आपको, ये पूरा आपको क्यूब के बारे में यानी घनाभ के बारे में नहीं पढ़ना है, घन के बारे में नहीं पढ़ना है, तो ये प्रश्नावली आपकी हटा दी गई है, 13.1 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। प्रश्नावली 13.2 भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये पूरा ये पोर्शन जो आपका पेज नंबर 250 से शुरू होकर के 260 तक जाता है, ये पूरा आपका नई वाली बुक से हटा दिया गया है, यानी 2023-24 के सिलेबस में हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से आपका शुरू होता है, और ये आपका प्रश्नावली जो है ये 13.1 है, सॉरी ये 11.1 हो जाएगी, लेकिन ये आपकी प्रश्नावली है 13.3, ये आपके सिलेबस में अभी है। नेक्स्ट बात करें अगली प्रश्नावली की 13.4 की, तो ये भी आपके सिलेबस में भी शामिल है। नेक्स्ट अगर बात करें 13.5 की, तो 13.5 जो है ये 2023-24 के सिलेबस से डिलीट हो गया है, जो पेज नंबर 273 पर है। इसी तरह से अगर हम बात करें 13.6 की, तो ये 13.6 भी डिलीट हो गया है। अब आगे हम बात करेंगे 13.7 की, ये पूरा प्रश्नावली आपके सिलेबस में है। इसी तरह से 13.8 भी आपकी प्रश्नावली अभी सिलेबस में है, ये ऐच्छिक प्रश्नावली हुआ करती थी, अभी भी ये सिलेबस से बाहर है और पहले भी ये सिलेबस से बाहर हुआ करती थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल 9 प्रश्नावली है, तो 13.1 आपकी बाहर हो गई, 13.2 बाहर हो गई, 13.5, 13.6 और 13.9, तो कुल इसमें 4 प्रश्नावली पढ़नी होगी, जो नई बुक के अकॉर्डिंग 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4
चार नाम होगा इस प्रश्नावली का। नेक्स्ट अगर बात करें नाम है सांख्यिकी, ये अब नई बुक में अध्याय 12 हो गया है, इसमें भी बहुत से पोर्शन हटा दिए गए हैं, जैसा कि प्रश्नावली 14.1 अब आपको नहीं पढ़ना है, ये 2023-24 के सिलेबस से बाहर है। प्रश्नावली 14.2 भी आपके सिलेबस 2023-24 से बाहर है, हटा दिया गया है। सीधे प्रश्नावली 14.3 आपके सिलेबस में शामिल है, जो कि पेज नंबर 307 पर है। ये प्रश्नावली आपकी अभी भी बाकी है, 2023-24 का सिलेबस है, ये आपका 12.1 हो जाएगा प्रश्नावली। अब इसके बाद बात करें 14.4 प्रश्नावली की, तो वो प्रश्नावली भी आपके सिलेबस से बाहर कर दी गई है, ये प्रश्नावली भी आपको नहीं पढ़नी, इसे भी आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, 14.4 आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पूरा आपको पोर्शन नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अध्याय 15 जो प्रायिकता है, ये चैप्टर भी पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, और अब इसमें आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना, ये सब सारी चीज़ें अब आपके सिलेबस से बाहर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बात याद रखें कि आपके जो 2023-24 का जो नया सिलेबस है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर बताने में कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ खामियां रह गई हो, तो आप उसे उस सिलेबस से एक बार मैच भी कर लें। और वैसे तो मेरे जानने में मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो उसे आप अपने सिलेबस से एक बार ज़रूर मैच कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।